हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेमत खाना और मैं हूँ नेमत। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिहार का मशहूर ठिकुआ की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर मीठा तेल और आटा घर में है तो ये रेसिपी आप बना सकते हैं। बाहर बूंदाबांदी हो रही है तो मौसम का डिमांड भी है कुछ क्रिस्पी कुछ मीठा हो जाए। इस ठिकुआ की ये खूबी है कि 10 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रहेगा तो भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आटे को हमने वजन करके लिया है, ये लगभग 250 ग्राम है। अगर बड़ी वाली कॉफी मग से एक मग भर कर लिया जाए तो भी आटा 250 ग्राम हो जाता है। ये हमारा आशीर्वाद आटा है और अगर आपके पास इंतज़ाम हो सकता है तो आप चोकर वाले आटे का इस्तेमाल करें, उससे ठेकुआ ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर अब हम इसकी मिठास के लिए इसमें चीनी मिलाएंगे। तो हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी लिया है और ठेकुए में मिठास के लिए आधी चीनी लेना होता है, यानी जितना आटा है उसका आधा। ओरिजिनली तो ये गुड़ में बनाया जाता है। गर्मी के दिनों में जब नया गेहूं का आटा आ जाता है और नई गुड़ तैयार हो जाती है तब हम इसे बनाते हैं। आप चाहें तो इसे गुड़ में भी बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो कि ख़ास ठेकुए की पहचान है डालनी है। तो सबसे पहले तो ये कटी हुई नारियल है जिसे हमने लॉन्ग साइज में काटा है, और इलायची पाउडर है, और 2 चुटकी सौंफ है। यूँ समझे कि इन चीज़ों के बिना ठेकुआ नहीं बनाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें डाल देने वाले हैं। तो ये प्योर घी है। यहाँ पर हमने 60 ml वाली मेजरिंग कप से ये घी लिया है, और प्योर घी होना मस्ट है। घी डालने का फॉर्मूला ये है कि इसमें 1 kg में 250 से 300 ग्राम तक ही घी डाला जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ठेकुआ नहीं बनेगा, वो तलते वक्त चूर हो जाएगा। और अगर आप इसमें कम डालेंगे, घी कम डालेंगे, तो ये खस्ता नहीं बनेगा, लेकिन कम घी से भी ठेकुआ बना हुआ मज़ेदार ही होता है। लोग इस तरह से लड्डू बनाकर देखते हैं, इसका मोयन चेक करते हैं। अगर आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये लड्डू भी बन रहा है। इसको अच्छा सा मोटा सा आटा तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा सा शक्ति प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 2 हाथों का इस्तेमाल किया है। ठेकुए के ऊपर एक बहुत अच्छा सा निशान बनाया जाता है जो कि सांचे से निशान लगाया जाता है, जिसे पहले लोकल बढ़ी बना दिया करते थे, लेकिन अब तो आपको अमेज़न पर भी ठेकुए का सांचा मिल जाएगा। और अगर आपके पास सांचा नहीं है तो ताड़ के पंखे जो गांव में इस्तेमाल होते थे उसका भी निशान इस पर बहुत अच्छा लगता है। तो वो अगर आपके पास ताड़ वाला पंखा है तो उसका इंतज़ाम कर ले, मैं उसी से इस पर निशान बनाऊंगी। और इसे बेल कर कुकीज़ की तरह काटते नहीं हैं, ठेकुआ का मतलब ही है हाथों से बनाना इस तरह से। तो इसे फौरन ही हम बनाएंगे क्योंकि इसे छोड़ कर रखने पर इसकी चीनी पसीजेगी और तलने पर फिर वो अच्छे से नहीं तलाएगा। तो इसे तुरंत ही बनाना है और तलना है। तो अब हमने मीडियम साइज़ का इसका पेड़ा तोड़ लिया है और इससे लगभग 10 या 11 ठेकुआ बन जाएगा। तो ठेकुआ को हम सबसे पहले इस तरह से दबा के तैयार करते हैं। ये बिहारियों की बहुत ही मज़ेदार डिश है और हम इसे बड़े प्राउड से अपने दोस्तों को खिलाते हैं। ये हमारी पहचान भी है।
इसका सरफेस इसी तरह से रफ होगा और किनारियां फटी हुई हो तो समझिए ये बढ़िया जा रहा है। इसे इस तरह से मैंने इसके कुछ पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इस पर निशान लगाना है तो मैं इस पंखे से इस पर निशान लगाने वाली हूँ। आपने ये पंखा पहले ज़रूर देखा होगा, तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से प्रेस कर देना है। देखिए, अगर आपके पास पंखा नहीं है तो आप इससे भी निशान लगा सकते हैं इस तरह से। और सबसे आसान है, अगर इसे बच्चे बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से निशान लगा ले। जो आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं, मगर इस पर एक निशान होना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, बस इसे इतना ही गरम होना है कि ये इसमें बस बुलबुला उठता रहे। ज़्यादा गरम होना नहीं चाहिए और ना ही इसे ज़्यादा तेज़ी से हमें पकाना है। इसे कम से कम 8 से 9 मिनट तक तेल में पड़े रहना चाहिए। अभी इसे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है वरना ये टूटने लगेगा। इसको बहुत ही क्रिस्पी तलने का यही ट्रिक है कि इसे धीमी आंच पर देर तक तेल में पकना चाहिए। बहुत ही प्यार से, बहुत ही नरमी से इसे हमें पलटना। क्या लाजवाब ठेकुआ हमारा तैयार हुआ है, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है। ये आप क्लोजअप में देखें कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है। और ये बिना किसी राइजिंग एजेंट के ही तैयार हुआ, हमने इसमें कोई सोडा वोडा नहीं डाला है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म ठेकुआ कितना मज़ेदार बना है। जब आप इसे बनाएंगे तो समझेंगे कि ये लोकल डिश जो बिना किसी ज़्यादा तामझाम के बना है, बिल्कुल रेस्टिक सा है, इस बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये कितना टेस्टी होता है। और अगर आप इसे सफ़र में ले जाएं तो 2 दिन का रास्ता आप सिर्फ ठेकुआ खाते हुए गुजार लेंगे क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है। तो इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं, और अगर पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। आपने अपना बेहतरीन वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।